Assalamu alaikum students, hope you have an amazing morning today. I am Rashid Ali, your English teacher, and today we discuss about the translation of paragraph number 4 of All Is Not Lost. As you know, we have started All Is Not Lost and we have recovered almost 3 paragraphs into paragraphs, and I hope you have learned the previous 3 paragraphs, and you are able to translate that 3 paragraphs. Today we discuss the fourth paragraph. Let's see. I was upset. मैं परेशान हो गई थी. The advice to leave the patient. नसीहत मरीज को छोड़ जाने की. The advice नसीहत to leave the patient मरीज को छोड़ने की. Unattended did not seem right. मुनासिब नहीं दिखाई दे रही थी. मरीज को बगैर तवज्जो के छोड़ जाने की नसीहत मुनासिब नहीं दिखाई दे रही थी. I knew मैं जानती थी that she had suffered के वो शिकार हुई है from major neural damage असाबी दबाव का. मैं जानती थी कि वो एक असाबी दबाव का शिकार है but लेकिन she needed उसे ज़रूरत है to be given a chance एक मौके की. But she needed to be given a chance लेकिन उसे एक मौका देने की ज़रूरत है. An inner voice एक अंदर की आवाज़. Somewhere within me मुझ में कहीं से. मेरे अंदर से कहीं से एक आवाज़ आ रही थी. Try once for her इसके लिए एक दफ़ा कोशिश करो. तो इस पैराग्राफ के अंदर जो नर्स है वो अपने बारे में बता रही है कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि डॉक्टरों ने इसको कह दिया कि इसको छोड़ दिया जाए इसके हाल पे, क्योंकि ये एक होपलेस केस है. तो वो परेशान हो जाती है और कहती है कि इसके लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर से आवाज़ आ रही है कि इसे एक मौका देना चाहिए. सो आई वेंट टू द सीनियर नर्स. मैं सीनियर नर्स के पास गई. एंड टोल्ड हर और उसके कहा. दैट के आई वॉन्टेड टू हेल्प मैं मदद करना चाहती हूँ. दिस पेशेंट इस मरीज की. एंड वर्क और काम करना चाहती हूँ. विद हर मोर क्लोजली इसके साथ बहुत करीब से. मैं सीनियर नर्स के पास गई और इसको बताया कि मैं इस मरीज़ की मदद और इसके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ. द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी विद अटर सरप्राइज. सीनियर नर्स ने बिल्कुल हैरत से मेरी तरफ देखा. एंड रिमार्क्ड और कहा. That के she had order के उसे अहकामात हैं from the doctors in charge doctor की तरफ से. to shift her के वो इसे shift कर दें to the general ward में. senior nurse ने बिल्कुल हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा कि मुझे इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से अहकामात हैं कि इसको general ward में shift कर दिया जाए. The doctors thought that doctors सोचते हैं कि she was a hopeless case कि ये एक नाउमीदी का केस है. and the bed must be spared और बेड को खाली होना चाहिए for other patients दूसरे मरीजों के लिए. डॉक्टरों का ये ख्याल था कि वो एक नाउमीद मरीज थी और बिस्तर को दूसरे मरीजों के लिए खाली छोड़ा जाए. I was shocked. मैं चौंक गई. To hear this, ये सुनकर मैं चौंक गई. The patient's family, मरीज का ख़ानदान also requested me कि मुझे दरख्वास्त कर रहा था to help them कि उनकी मदद की जाए fight the case इस मामले में.
मरीज के खानदान ने भी मुझसे इस मामले को सुलझाने के लिए मदद की दरख्वास्त की। कुछ करने की जरूरत थी। आई कुड नॉट लीव, मैं छोड़ नहीं सकती थी माई पेशेंट, अपनी मरीज को, फाइटिंग ए लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन, एक हारी हुई जंग में तन्हा। मैं अपने मरीज को इसकी हारी हुई जंग में तन्हा लड़ते नहीं छोड़ सकती थी। मैंने बना लिया था माई माइंड, अपना इरादा, टू रिस्क माई कैरियर, अपने कैरियर को खतरे में डालने के लिए। मैंने अपने कैरियर को खतरे में डालकर इरादा कर लिया था एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीज की मदद की। मैंने इरादा कर लिया कि अपने मुस्तकबिल को खतरे में डालकर अपने मरीज की मदद की जाए। आई रिक्वेस्टेड टू द सीनियर डॉक्टर्स, मैंने सीनियर डॉक्टर्स से दरख्वास्त की टू अलाउ मी, कि वो मुझे इजाज़त दें अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, इस हेल्पलेस बेचारी नौजवान मरीज की मदद करने के लिए। मैंने सीनियर डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि मुझे इस नौजवान लाचार मरीज़ा पर तवज्जो देने की इजाज़त दी जाए। समहाउ किसी तरह से आई वॉज एबल, मैं काबिल हुई टू मेक द पेशेंट, इस पेशेंट को रखने के लिए स्ट्रेन द ICU इन थाई निगहदाश्त के कमरे में। तो किसी तरह से मैं इस मरीज़ा को इंतहाई निगहदाश्त में रखने के काबिल हो गई। सो होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। सो अच्छी तरह से इसकी ट्रांसलेशन याद कर लीजिएगा, इसके वर्ड्स मीनिंग याद कर लीजिएगा। कल हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, आप इसके ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग याद करिएगा। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।